सबका यहां पर स्वागत है। मेरा परिचय सबसे पहले, मेरा नाम है प्रशांत किशोर और बिल्कुल बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा एक यहां पर साधारण मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने सभी बच्चों में गरीबी की वजह से सिर्फ एक हमारे बाबूजी को उन्होंने पढ़ाया। हमारे बाबूजी यहां सरकारी डॉक्टर थे। हमने अपनी जीवन की शुरुआत यहीं के सरकारी विद्यालयों से पढ़कर किया है। पटना साइंस कॉलेज में पढ़े, फिर आगे गए। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कुछ कृपा भी रही होगी, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। 10 साल तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है। पहले भारत में थे, फिर कुछ वर्ष हम अमेरिका में रहे, फिर 4 बरस हमने अफ्रीका में काम किया है। 2011 में देश में वापस लौटे। और आप में से कुछ लोग जिस परिचय से हमको जानते हैं या मीडिया वाले जो मेरा परिचय कराते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह वगैरह, जीवन में हमारा राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन उस काम को हमने 2011 से 21 तक 10 वर्षों में किया है, 10 वर्षों तक किया। और ये ऊपर वाले की कृपा ही है कि जिस व्यक्ति को, जिस परिवार में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद हमने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो 10 वर्ष में कोई चुनावे नहीं हारा। इसका मतलब ये नहीं है, यहां बैठे हुए कई सज्जन ऐसे होंगे जो इस बात से प्रभावित हैं कि प्रशांत किशोर जिसका हाथ पकड़ लें, जिसके कंधे पर हाथ रख दें, वो आदमी चुनाव जीत जाएगा, विधायक मंत्री बन जाएगा। तो मैं आपको पहले निराश करना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई गुण, कोई हुनर है नहीं। ये आपके मन का भ्रम है। लोग पदयात्रा में बड़ी बड़ी बात करते हैं, यहां मन से भी कुछ अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यही पदयात्रा इससे भी ज्यादा शुद्धता और ईमानदारी से प्रशांत किशोर या इसके जैसा ही कोई व्यक्ति कर रहा होता और 10 वर्ष में उसने देश भर में चुनाव नहीं जिताया होता, तो अब तक जनता ने उसका हंसी उड़ा के उसका किनारा लगा दिया होता। हमारे लिए भी लोग अभी पीछे हंसते ही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हंसते हैं, अरे भाई बिहार में से घूमने से क्या होगा, ये सुधरने वाला नहीं। आप में से जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग हैं, वो उनकी भी सोच है भाई सुधरने वाला नहीं है, देख रहे कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी जानकारी है कि ये वही आदमी है जिसने 10 वर्ष में जिसको चाहा उसी को चुनाव जिता दिया। तो वो डर भी है। जो राजनीतिक लोग हमसे जुड़ने आते हैं, वो ज्यादातर आदमी वैसा ही है जो इधर गमछा डाल रहा है। वो जान रहा है कि हम जहां भाजपा में हैं, आरजेडी में हैं, वही ज्यादा व्यवस्था अच्छा है, लेकिन वो प्रशांत किशोर का डर है 10 साल का। अरे भाई कहीं कुछ ऐसा खड़ा कर दिया तो इधर भी चल के हाथ अपना डाल देते हैं, भैया हम पूरी तरीके से आपके साथे हैं, हमको खूब इस बात का एहसास है कि वो हमारे साथ कोई नहीं है। लोग ऐसे ही हैं। अगर आप में इतनी ही शुद्धता होती, अगर आप इतने ही समझदार होते, तो आपको किसी प्रशांत किशोर की क्या जरूरत थी। आप तो अभी तक अपने नहीं सुधार लिए होते, आपको इंतजार करना था कि कोई आएगा जगाएगा हमको। ऐसी बात नहीं है। हम इस काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 10 साल हमने जो राजनीति में देखा, किया, बहुत करीब से जिन नेताओं को आप पेपर में, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, इन लोगों के साथ हमने बहुत करीब से काम किया है। अगर ये बताया कि सुबह में हरा कपड़ा पहनिए, दोपहर में पीला, तो लोगों ने वही किया। इतना प्रभाव रखने के बाद उस काम को हमने देखा कि उससे समाज नहीं सुधरता है। और हमने अपने लिए ये तय किया, हम कोई बिहार के समाज के लिए, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दिया है, तो कहीं ना कहीं बिहार के होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी है कि अगर हमारे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में कुछ प्रयास करने की, तो किसका हिम्मत पड़ेगा। इसीलिए हम यहां वापस आएंगे।